नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैलशा एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपीटर और मॉडम के बारे में। कल की जो हमारी क्लास थी वो हब और स्विच के बारे में एंड ट्रांसमिशन मोड के बारे में थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रिपीटर और मॉडम के बारे में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिपीटर और मॉडम क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हब और स्विच का एक क्विक रिवीजन, ठीक है? तो देखिए यहाँ, अब जैसा कि आपको पता है, अगर आपने क्लास ली है तो आपको पता है, और अगर आपने नहीं ली है तो आप देख लीजिएगा, जो हब है वो क्या यूज़ करता है, कौन से सिग्नल यूज़ करता है। हब ब्रॉडकास्ट सिग्नल यूज़ करता है भाई, और स्विच कौन से सिग्नल यूज़ करता है, यूनिकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ब्रॉडकास्ट भी करता है। लेयर पे कौन से काम करता है, हब फिजिकल पे है और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। हब में 4 पोर्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, स्विच के अंदर 24 से 28 पोर्ट हो सकते हैं। हब में केवल एक ही कॉलिजन डोमेन होता है और स्विच के पास बहुत सारे खुद के अलग अलग कॉलिजन डोमेन होते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच जो है उसमें सेगमेंटिंग होती है और इसी वजह से उसके डोमेन्स भी अलग अलग होते हैं। हब के पास कोई पैकेट स्विचिंग नहीं होती, स्विच में होती है। हब जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है और स्विच फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। अगर आपको पूरी क्लास देखनी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, उसमें टाइप्स ऑफ हब टाइप्स ऑफ स्विच के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक जो कि है आज का रिपीटर। क्या है हमारा टॉपिक? रिपीटर। वैसे काफ़ी इजी सा टॉपिक है, आप जानते भी होंगे, फिर भी एक देख लीजिए। रिपीटर क्या करता है? देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे कुछ सिग्नल्स है जो ऊपर जा रहे हैं, हाई लो करके, फिर थोड़े लो होते जा रहे हैं, मतलब वीक होते जा रहे हैं यहाँ पे ये सिग्नल्स। फिर हमने रिपीटर लगा दिया। रिपीटर ने क्या किया? रिपीटर ने सारे जितने भी वीक सिग्नल्स थे उनको वापस से रीजनरेट कर दिया और उनको बूस्ट कर दिया, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो रिपीटर क्या कर रहा है? रिपीटर जो हमारे लो सिग्नल है उनकी स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो ये था रिपीटर। यहाँ पे देखिए, ए रिपीटर इज अ डिवाइस दैट रीजनरेट्स द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट्स टू इट्स डेस्टिनेशन। तो रिपीटर के दो काम हैं, क्या? रीजनरेट करना, मतलब फिर से दोबारा जनरेट करो, और फिर से दोबारा रीट्रांसमिट करो। तो रिपीटर के दो काम हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, बिकॉज सिग्नल, रिपीटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मतलब हमें रिपीटर चाहिए क्यों, वो है क्योंकि जब हम एक लंबी डिस्टेंस पे जाता है हमारा सिग्नल तो वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, इतना वीक हो जाएगा कि वो अपने डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए हम उसे उस सिग्नल को रीजनरेट करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है, इसीलिए हमें रिपीटर की ज़रूरत पड़ी। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि हमें रिपीटर की ज़रूरत क्यों हुई, ठीक है? आगे देखिए, अब जो ये डिस्टेंस की बात हो रही है ना ऊपर, वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस है? तो देखिए भाई, ये डिस्टेंस पता चलेगी कि हम कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं डेटा को सेंड करने के लिए, और उस चैनल की कितनी कैपेसिटी है, ये कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। तो इसके ऊपर हमारी डिस्टेंस डिपेंड करती है कि आप गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हो कि अनगाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर हमारी डिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो देखिए, ए रिपीटर क्या है? ए रिपीटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। रिपीटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द फीबल सिग्नल्स। फीबल का मतलब क्या है? कमजोर सिग्नल्स, जो सिग्नल्स वीक हो गए हैं वो, व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। आगे देखिए, जो रिपीटर है उसका भाई बेसिक फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और रीट्रांसमिट करेगा। तो बेसिक्स क्या फंक्शन है? एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिपीटर देखिए, एक है एम्पलीफायर और दूसरा है सिग्नल रिपीटर।
ध्यान से देखिएगा दोनों के बारे में। एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को बूस्ट करेगा या एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। ये सिग्नल को बूस्ट भी करेगा और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा नॉइज प्रोड्यूस हो रही है उसको भी रिमूव और रिड्यूस करता है। जबकि जो सिग्नल रिपीटर होता है ना, वो केवल नॉइज को ही फिल्टर आउट करता है, वो उसको बूस्ट नहीं करता, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता। तो ये था एम्पलीफायर और सिग्नल रिपीटर के बीच में डिफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें मॉडम। मॉडम क्या होता है? वैसे आपको पता है मॉडम इज ए नेटवर्क डिवाइस। क्या है एक नेटवर्क डिवाइस? ये जो ऊपर लिखी हुई है ना डेफिनेशन, ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर लगा हुआ है, दूसरी साइड में टर्मिनल है, बीच में टेलीफोन नेटवर्क है और दोनों साइड में मॉडम लगा हुआ है। कंप्यूटर ने मॉडम के पास डिजिटल सिग्नल भेजा। क्या भेजा? डिजिटल सिग्नल। मॉडम ने इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल दिया, क्योंकि वो टेलीफोन लाइन में जा रहा है इसी वजह से। फिर मॉडम उस एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है टर्मिनल के पास। तो एक तरह से यहाँ पे मॉडम ने क्या किया, मॉडम ने भाई डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कर दिया सिग्नल्स को। जब डिजिटल टू एनालॉग कर रहा है तो उसको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं और दूसरे वाले को हम डी मॉड्यूलेटर बोलते हैं। मॉडम का नाम ही मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। ये हमें एक टेलीफोन लाइन के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करने की परमिशन देता है। इट एनेबल्स, एनेबल करता है कि डेटा को हमें केबल या टेलीफोन के थ्रू भेज सके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज क्या है भाई? भाई सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इन कनेक्टिंग लैन विद नेटवर्क। स्पीड किस पे डिपेंड करती है भाई? जितना महंगा होगा उतना ही तो ज़्यादा स्पीड देगा। आज के टाइम में ज़्यादातर यूज़ भी हो रहा है और सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल टू एनालॉग और वाइस वर्सा, है ना। तो ये थे इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है भाई? ट्रैफिक को कम मेंटेन करता है, सिर्फ एक इंटरफेस के अलावा कुछ नहीं है ये लैन और इंटरनेट के अंदर। इसकी वजह से जो है हैकर्स इसको हैक भी कर सकते हैं हमारे सिस्टम को। और एडवांटेज में अगर हम कहें तो ये इजी टू इंस्टॉल भी है। क्या है मॉडम? इजीली कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मॉडम के बारे में। इतना आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मॉडम के फीचर्स क्या क्या है भाई। तीन फीचर्स देखिए यहाँ पे मेन लिखे हुए हैं मैंने, कि जो सबसे पहला है कि इसके अंदर जो इथरनेट पोर्ट होते हैं ना वो कम होते हैं कंपैरिजन टू राउटर। दूसरा, इसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। अब पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मॉडम जो है ट्रांसमिशन के लिए वैन यूज़ करता है। तो मॉडम क्या यूज़ कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए? वैन। अब कहता है कि मॉडम करता क्या क्या है, तो वो देखिए मॉडम क्या क्या करता है भाई। ये जो है इट कनेक्ट्स द इंटरनेट फ्रॉम आईएसपी टू योर डिवाइस। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हो सकते हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे हमें? तो देखिए वो हो सकते हैं एयरटेल हो गया हमारा, जियो है, बीएसएनएल है। ये सब क्या करते हैं? ये सब हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? आईएसपी बोलते हैं। तो मॉडम में क्या करता है? मॉडम हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है फ्रॉम आईएसपी टू योर डिवाइस। उसके बाद ये क्या करेगा? ये मॉड्यूलेट करेगा और डीमॉड्यूलेट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। सिक्योर कनेक्शन भी प्रोवाइड करवाने की ट्राई करता है ये। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मॉडम देखते हैं। पहला आता है एक्सटर्नल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम क्या होगा? जिसको हम किसी सीरियल केबल की हेल्प से अपने सिस्टम में कनेक्ट करवाएंगे। सिंपल टू इंस्टॉल होता है, डेटा रेट भी हाई होती है और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी इसकी डेटा रेट की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। ये था एक्सटर्नल मॉडम।
इंटरनल मॉडेम क्या करता है, जो इनबिल्ट हो, मतलब कि जो मदरबोर्ड में पहले से ही इंस्टॉल होके आता है, ये स्लो रेट होती है इसकी, और डेडिकेटेड कंप्यूटर्स जो हमारे घर पे स्मॉल प्लेसेस में होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। वायरलेस मॉडेम जो बिना केबल के हम यूज़ करते हैं, पर्सनल काम के लिए यूज़ करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें यूज़ की जाती है डेटा को सेंड करने के लिए। इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड होती है, मतलब ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है डायलअप मॉडम और केबल मॉडम। डायलअप मॉडम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा। कैसे? वो ट्रेडिशनल जो लैंडलाइन होती है उसको यूज़ करके। इसके अंदर वो कौन सी सर्विस यूज़ करता है? PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और इसकी स्पीड भी कम होती है, 56 KBPS। और PSTN जो होता है वो सर्किट स्विचिंग पे काम करता है। केबल मॉडम जो है वो एक ब्रॉडबैंड की सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है, ये भी लैंडलाइन कनेक्शन ही देता है हमें। लेकिन डायलअप और केबल मॉडम के अंदर डिफरेंस ये है कि जो डायलअप है वो सिर्फ PSTN सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन केबल मॉडम है जो उसके अंदर हम वायरलेस और वायर्ड मोड दोनों यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये PSTN यूज़ कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कंप्यूटर से उस पर कनेक्ट किया तो इथरनेट और आगे कोएक्स। DSL मॉडम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी एक टेलीफोन लाइन को यूज़ करके ही नेट कनेक्टिविटी देता है, फास्ट होता है, बिजनेस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अंदर DSL और जो हमारा डायलअप के अंदर डिफरेंस ये है कि जब DSL मॉडम यूज़ हो रहा होता है तो हम फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायलअप कनेक्शन में जब नेट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो लैंडलाइन फ़ोन है वो हम यूज़ नहीं कर सकते कॉलिंग पर्पज़ के लिए। टू टाइप्स होते हैं, एक ADSL और SDSL, एसिंक्रोनियस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और सिंक्रोनियस DSL, ठीक है। उसके बाद आता है सैटेलाइट मॉडम, ये भी ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फ़ोन लाइन इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के यूज़ करेगा, लेकिन स्लोअर होता है DSL और केबल मॉडम से। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मॉडम सेम वही है कि हाफ डुप्लेक्स एक डायरेक्शन में करता है और फुल डुप्लेक्स दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता है नेट कनेक्टिविटी के लिए। फोर वायर मॉडम और टू वायर मॉडम, ये कहता है कि जो फोर वायर मॉडम होते हैं उसके अंदर हमारे पास पेयर ऑफ वायर्स दो होते हैं, एक इनकमिंग के लिए और एक आउटगोइंग के लिए, दोनों के लिए ही सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। टू वायर क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ही पेयर ऑफ वायर होगा, वही सेंडिंग के लिए यूज़ होगा और वही रिसीविंग के लिए यूज़ होगा। तो आज का था हमारा टॉपिक मॉडम के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।